वेलकम टू बखरा कप। एक बार फिर से आ चुके हैं बखरा कप में सारे दोस्तों को। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हरियाणा वर्सेस बरेली के बीच मुकाबला हो रहा है। बरेली ने हरियाणा ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया है। पहली बॉल और चार रन। तो पहले ही गेम चौथे दिन बखरा टी टेन कप गेम, पहले गेम थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, कलाइयों के सहारे लड़ा है चार रनों के लिए। सारे लोग शेयर कर दे। यस, गेंदबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। पहली गेंद पर हम देख रहे हैं एक आकिब ने अतहरा क्रीज पर पहली गेंद पर बाउंड्रीज लगाई है। अच्छी शुरुआत में कहूंगा ये एक बढ़िया गेंद, पैरों के तरफ लाभ किया है, उसके पीछे फील्डर मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करके बल्लेबाजों के पास इतना मौका था कि अपना छोर बदल लेते। तो हम देखते हैं हरियाणा ने क्या फील्ड सेटअप की है बरेली के खिलाफ। विकेट कीपर के अलावा एक लेग स्वीप लगा रखी है, एक फ्लाई स्वीप लगाई है, एक शॉर्ट गली है, एक बैकवर्ड पॉइंट है जो शॉर्ट पर पॉइंट रोका है, और एक है हम देख रहे हैं एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। ये ऑफ साइड पर जो फील्ड है एक लॉन्ग ऑन है, एक लॉन्ग ऑफ। इस खिलाड़ियों को बाहर निकाला है, 30 यार्ड दायरे के अंदर गेंदबाजी कर रहे हैं। यस, हरियाणा के की तरफ से प्रारंभिक जोड़ी गेंदबाजी की। इस बीच पहली बार सामना करेंगे। अच्छी गेंद मिडल स्टंप पर थी, उसे संभाला, बैक टू द बॉलर खेला, बॉलर ने गेंद को गेदर किया, कोई रन कोई नुकसान नहीं, 5 रन बिना विकेट के नुकसान पर 10 ओवर के मुकाबले में। तो अब लेग साइड पर हम देख रहे हैं कि एक दीप स्क्वाड ने लगाया है जो शॉर्ट पर खड़े हैं, उसके अलावा एक इसी बीच ये स्लोअर गेट डाल रहे हैं या फिर 2 नंबर गिट गए हैं। अच्छी गेंद मैं कहूंगा, लंथ को भाप नहीं पाए बल्लेबाज यहाँ अतहर, माफ करना आखिर, कोई रन नहीं बना पाया अभी भी, लेकिन अच्छे बल्लेबाज जो नजर आ रहे हैं। सुल्तान एक अच्छे ऑलराउंडर है जो टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं अपनी टीम शेयर करते हैं, शेयर करते रहे, लाइक करते रहे, आजमगढ़ में वापस लौटे हैं क्रिकेट खेलने के लिए। बड़ा प्यार और इज्जत और शोहरत उनको मिलती है इस आजमगढ़ क्रिकेट में। नाउ यस वांट टू चेंज द फील्ड, लॉग ऑफ के फील्डर को अंदर बुलाया है यानी टीम में विकेट को बाहर निकाला है और उसी दिशा में स्ट्रोक्स भी लगाया है। ये 6 रन, पहला वार्म वेलकम किया बल्लेबाज ने 6 रनों के साथ। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या हम देख रहे हैं 11 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। अभी पहला ओवर चल रहा है। यस की थोड़ी सी फुलर लेंथ की गेंद थी, हाफ पाली पर बनाकर क्या खूबसूरत अंदाज में आखिर ने अपने बल्ले का जो फ्लो खोला था, गई है सीमा रेखा के बाहर 6 रन। यस दूसरी आखिर ने लगाई है। इसी बीच हमसे दूर जाते हुए बैकरी बकरा बैकरी से ये पटकी भी गेंद पुल किया है। इस बार वहां फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग में कहूंगा 1 रन बनाने से इन बल्लेबाजों को नहीं रोक पाएंगे। पहला ओवर समाप्त होता हुआ 12 रन बिना विकेट के नुकसान पर टीम बरेली हरियाणा के खिलाफ 10 ओवर के मुकाबले में। तो अब ये जो जोड़ी है ओपन जोड़ी है आकिब और अतहर की, एक बॉल दोनों बल्लेबाजों ने एक एक बाउंड्री लगाई है। आपको विश्वास उनका जो है सातवीं बॉलर का नाम राज राजकुमार। तो गेंदबाज राजकुमार को गेंदबाजी सौंपी गई है, एक जिम्मेदारी सौंपी गई है उनके कंधे पर। ये बड़ी जिम्मेदारी है राजकुमार को क्योंकि ये प्रारंभिक गेंदबाज है हरियाणा की तरफ से। कोटे का ये दूसरा ओवर, टीम की तरफ से अपना पहला ओवर लेके निकले, ये भी कलाइयों का बढ़िया इस्तेमाल किया है। अब ये चीज तो हमारी समझ में आ गई कि ये जो हरियाणा के लिए ज्यादातर जो खिलाड़ी है ये हरी बॉल के खिलाड़ी है, क्योंकि ये जो गेंद है आप देखेंगे उनके जो गेंद पकड़ने का जो तरीका है, वो जो ग्रिप करने का तरीका, इससे ये एहसास हो रहा है कि ये स्लोअर को देख रहे हैं, ये फास्ट विकेट है और यहाँ पर ये स्लोअर को देख रहे हैं, वेरिएशन को देख रहे हैं, क्योंकि इन बल्लेबाज को इन ओवरों में वो रोकना चाह रहे हैं। ये देखिएगा और स्लोअर, और ये लाल गेंद है वो हवाई रास्ते बाहर को निकल जाएगी। थोड़ी सी ओवर पिच गई थी, पैरों की तरफ आ रही थी, 6 रन 22 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं हरियाणा के खिलाफ बरेली ने। बरेली और हम देख रहे हैं कि आजमगढ़ ए, आजमगढ़ बी, उसके अलावा टीम मऊ जैसे भी
फाइनल में इंतजार कर रही है। लोड लाइक और शेयर करते रहे। इस वक्त बल्लेबाजी चल रही है, बड़ी शानदार। थोड़ा सा नेटवर्क वीक है इसलिए दोनों सलामी बल्लेबाज। और कहते हैं अगर आप अपने बेसिक से जुड़े हैं, ये एक और बढ़िया दंडवाता वाले थे। इस बार विकेट सीमा लगा देगा हर चार रन। वेलकम टू ओवरियन दिस ओवर व्हाट अ स्टार्ट फ्रॉम टीम लोड 11 बरेली। आकिब अहमद ऑन द फायर लॉग इस टाइम। बोथ बैट्समैन आर इज लुकिंग वेरी डेंजरस। ही वांट टू स्मैश हर इन एनी साइड। लुक आउट नोबडी आल्सो ही वांट अगेन इट्स योर बॉल। ही वांट टू अपील लॉन्ग लॉन्ग अपील अंपायर गिव द डिसीजन नॉट आउट। और नंबर टू इज द बॉलर राजकुमार इज गोइंग टू बॉल टू बकरा बैक इन द Both batsmen Aqib Ahmed is knowing how to hit the ball. He is a good ability. He hits low very well. He knows how to hit the ball once again to Rajkumar to Agi. He wants to hit it. He dropped it there and they caught from the out. First wicket down Bareilly. No 11 ko ye pehla wicket yahan milta hua. Kyunki lagatar variations mein variations kar rahe the. Aur is baar ye sufalta jeet kar li hai. Out hone wale ballebaaz आखिर पर गिरा जा रहे हैं। दो छक्के एक तूफानी चौके की बदौलत अब नए बल्लेबाज पहुंचे हैं। बीरा बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट के गलियारे से हम बात करें, लंबे लंबे हिट के लिए जाने जाते हैं। अब जिनके नाम में ही बीरा लगा हो वो कैसी बल्लेबाजी करते हैं। इससे पहले हमारे काचियाबाद का लोकेश मीना ने अच्छा खेल दिखाया था, आज हम बीरा का खेल देखना चाहेंगे इस मैदान पर वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या 26 रन। दूसरा ओवर राजकुमार जो डाल रहे हैं पांच नंबर गेंद में। अब्दुल भाई जो लगातार पूरे दिन हमारे साथ कमेंट्री की है, फिर उसके बाद शाम को ये निकले हैं कमेंट्री के लिए वॉलीबॉल। ये क्रिकेट एक अलग चीज है, वॉलीबॉल एक अलग चीज है। वापस 3 बजे भोर में अपने घर को पहुंचे, फिर सुबह अपने टाइमिंग के पाबंद वापस लौटे। लाइक और शेयर करते हैं आप तो भाई। स्कोर दिखा, स्कोर चालू हो गया भाई, चालू हो गया। अगली गेंद लेकर तैयार हो रहे हैं, कैसे गेंदबाजी करने को देखेंगे राजकुमार। एक सफलता मिल गई है इनको, इसी के चलते दूर जाते हुए अगली गेंद स्लोअर लोअर फुल टॉस लूपी बॉल थी और उसे संभाला बीरा ने। और नंबर टू समाप्त हुआ। आगे कमेंट्री के लिए साफ कर रहे हाँ हाँ लास्ट ओवर 26 रन। दो ओवर की समाप्ति पे स्कोर 26। ये बकरा बेकरी ग्राउंड पे आपका वेलकम है, बकरा बेकरी ग्राउंड पे आपका वेलकम है। डॉक्टर मोहम्मद शाहिद आजमी पूर्व प्रधान बकरा, अबू बकर खान तूना, मोहम्मद उमर बीडीसी बकरा, मोहम्मद आशा शेख, मोहम्मद साकिब दुबई, मोहम्मद इमरान दुबई, मोहम्मद रकीब दुबई, मोहम्मद वसीम शेरी और मोहम्मद रिजवान बीजेपी नेता और बीजेपी नेता मोहम्मद उस्मान पूना, अंसार अहमद बकरा, सिराज अहमद बॉलर, यश यश के पदाधिकारी। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि बचे हैं, बहुत चली शुरुआत नहीं कर पा रहा है मेरे मोहम्मद नासिर बकरा, मोहम्मद हाजिम बकरा, मोहम्मद अब्दुल्ला मलेशिया, मोहम्मद खान बकरा, मोहम्मद कलीम बकरा। ये सारे नाम है जो गवर्नमेंट के साथ लगे हुए हैं, जिनका पहुंचा के इसमें सही होगा योगदान है। तो हरियाणा एक विकेट ले चुका है, वीरमान स्ट्राइक पे है। ये स्ट्राइकर के पास आतिफ है, क्या करेंगे। यश अपना दूसरा मैच का किसाब लेकर तैयार और इस बार काफी जोर ड्राइव पहले कोई गेंद नहीं बिल्कुल आ रही है। अपहर स्ट्राइक पे है, वीरानान स्ट्राइक पे है, तैयार होते हुए मैंने कहा फिर यश एक बेहतरीन ये हरियाणा का गेंदबाज तो शुरू किया फिट पहुंचे गए तिरेंगे और बड़ा अच्छा ऊंचा स्टोर खेला है। बाउंड्री के बाहर चार पावर प्ले हो, बस 3 बार तक पावर प्ले रहेगा, इसी 4 के साथ स्कोर पहुंचा। आगे आपके 30 रन एक बेहतरीन खेल आपके सामने चल रहा है।
कुछ सोच समझ के अपने काम को अंजाम देना होगा। जफर सिद्दीकी के उद्घाटन करता कल आने वाले हैं, जावेद सिद्दीकी भी आने वाले हैं, रेहान सजरी पीसी ग्रुप उत्तराखंड जसवापर करता थे लेकिन वो दर वक्त में एक रहा हो जा चुके हैं देहरादून उत्तराखंड अपने बिजनेस के सिलसिले में, लेकिन उनकी आमद हुई थी तो उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा है जमीन कमेटी। यश तैयार एक और इसको यह पहुंचाए थी 6-5-36 गाजीपुर सीआरपीएफ 11 अपने 11 खिलाड़ियों का नाम 12 खिलाड़ियों का नाम लिख के भेज दे और ये पढ़ रही टीम गाजीपुर टीम दोनों टीम को देख रही है। अगला मुकाबला 19 है, दिल्ली की टीम मिस हो गई है, टीम नहीं आ पाई, कुछ प्लेयरों को टिकट नहीं कर पाया, इस लिहाज से वॉकओवर मिल गया है यहाँ पे गाजीपुर को वॉकओवर। तो गाजीपुर खेलेगा क्वार्टर, तैयारियां अब बकास किया चित्त पहुंचेगा कहेंगे और फिर पटवा लगातार कैच की प्रताड़ना बहुत उम्रा कैच बहुत इतना कैच किया अतहर का यहाँ पे राहुल ने बेपनाह को जब कैच किया आज के दिन का मैं कहूंगा सबसे अच्छा कैच। अब कौन से बल्लेबाज जाएंगे बल्लेबाजी करने के लिए हरियाणा छत्तीस पे दो अब निकले हैं बल्लेबाजी करने के लिए किसान से बल्लेबाजी करेंगे सत्ताव सदाम ये चीज अच्छी बताइए भाई एडी मेरे पास है मैं अपनी लगा रहा हूं और लोग कैसे एक दूसरे की एडी लगा लेते हैं कोई बहुत दोस्त पैकी तो नहीं आती है 50-60 की मिलती है कम से कम हर एडी आपके पास आरपीओ के पास एक एडी होनी चाहिए। अब्दुल्ला भाई टाफी वाले 100 रुपए इनाम दिया जो भी कैश किए भाई उनका नाम राहुल था 100 का इनाम मिला है। ये आजमगढ़ है टाफे खिलाते खिलाते इनाम भी दे रहे हैं अच्छा लगा। और ये आज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कल तो चिल्ड्रेन डे था 14 नवंबर को 14 नवंबर में चंद हर साल 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस या चिल्ड्रेन डे मनाया जाता है तो मैं इन लोगों का शुक्रिया कर रहा हूँ अब्दुल्ला भाई टाफी वाले की तरफ से इनाम यहाँ पे आया है 100 रुपए का खूब कैच करने वाले को एक मुताफी यशे और ये सब विकेट के ऊपर से खेला है 6 रनों के लिए। तो अक्सर मैं कहता अपनी कमेंट्री में कि सद्दाम तेरे जैसा दिलावर नहीं देखा वीरा सद्दाम तो ये नहीं लग रहा दोस्त सद्दाम और वीरा की जोड़ी क्या कहेगी सद्दाम और वीरा की जोड़ी क्या कहेगी। अब्दुल्ला भाई टाफी वाले आपका शुक्रिया कि आप बच्चों की टाफी को सिल करते हैं लेकिन एक अच्छा खेल चल रहा है पकड़ा टी10 कप में आपने आकर अपनी हाजिरी यहाँ पे दिखाई है पावर प्ले हो चुका है 3 ओवर 42 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। तो चिल्ड्रेन्स डे चाचा नेहरू के जन्मदिन को मनाया जाता है जो कल था और हर स्कूल बहुत उत्साह वर्धन के साथ के चिल्ड्रेन डे मनाया तो बल्ला बन रहा है बस वीरा बल्ला मार रहे हैं तो चिल्ड्रेन डे स्कूल में बड़ा प्यारा मनाया गया। तो चिल्ड्रेन डे पे मुझे एक कोटेशन याद आ रही है कि चिल्ड्रेन आर लाइक बर्ड्स इन ए गार्डन एंड शुड बी केयरफुली एंड लविंग नेचर एज दे आर फ्यूचर ऑफ द नेशन एंड सिटीजन ऑफ टुमारो एंड सिटीजन ऑफ टुमारो हमारे। तो ये बच्चे जो हमारे हैं यहाँ पे इनाम हरियाणा के नौजवान बच्चे आए हैं और ये अभी ठीक है भाई अभी सही चलेगा पूरे गांव के प्लेयर है पूरे हरियाणा से नहीं आए बस ये कह रहे कि हम अपने गांव के प्लेयर के साथ आएंगे वरना हरियाणा हिंदुस्तान का वो प्रदेश है जहां पे बड़े बड़े शान है बड़े बड़े नाम पैदा किया हरियाणा जाटों वाला ये प्रदेश है और मिडलिस्ट है गोल्ड मिडलिस्ट है ओलंपिक से लेके हिंदुस्तान का परचम लहराने वाले आज ये हरियाणा के छोरे क्या करेंगे इससे नूर सामने बायलर का नाम नितिन आ रहे हैं नितिन के बाकी करने के लिए आ रहे हैं और किस तरह से बाकी करेंगे वीरा का बड़ा नाम है क्या करेगा वीरा क्या करेगा सद्दाम सद्दाम तो आते ही छक्का लगाया है ये पकड़ा टी10 कप टूर्नामेंट में तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो लोग हैं
जफर सिद्दीकी उर्फ रस्तम साहब की कल आमद होने वाली है, जावेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के नेता की कल आमद होने वाली है, और यहाँ पे आप रेहान संजय पीसीएम ग्रुप देहरादून और समापन करता है। इस मोमेंट ये पहला भवन जिले का मैंने कहा है कि जिसमें एक समापन करता है, एक उद्घाटन करता है और सारे चीफ गेस्ट है। अक्सर पहले ये होता था लेकिन अब तो ये रस्म है कि हर मैच में एक फीता करता है, हर मैच में एक फीता करता है। लेकिन अमजद भाई ने कहा नहीं, मेरा एक उद्घाटन करता है, एक समापन करता है और सारे मेरे चीफ गेस्ट हैं। जफर सिद्दीकी भोले भाले चेहरे वाले हैं, कल यहाँ पे आएंगे युवा समाजवादी पार्टी लीडर है नितिन तैया, वीरा के मोहम्मद शाहिद सिंधु भी कई मेहमान खास बन जाने वाले हैं, और ये वीरा को जरूर भेंट किया। वीरा से हरियाणा सवाल पूछ रहा है कि हम उस जिले से हैं, हम उस प्रदेशवासी हैं जहाँ पे वर्षापन करता है दोस्तों, ब्लॉक प्रमुख मिर्जापुर मोहम्मद शाहिद सिंदरी पीडीसी रजापुर शिकार कल यहाँ पे आने वाले हैं, कल यहाँ पे आने वाले हैं। पुष्पा माहौल इस मुकाबले को दिखा रहा है, आजमगढ़ क्रिकेट लाइव दिखा रहा है, हसीब अजीज भक्तपुर की भी लाइव दिखा रहा है, तैयार होती है। एक और वीरा का ये महान स्टोर खूब मिड विकेट के स्तर से ऊपर से खेला है, स्कोर जब पहुंचा है 48 रन, छक्के से ज्यादा रन बनने साथ मैं देख रहा हूँ सिंगलिंग बहुत कम हो रही है, छक्के ज्यादा लग रहे हैं, खाता खुला है वीरा का। तो दोस्त ये चंदौली की टीम यहाँ पे खेलने के लिए आई थी, लेकिन दोस्त मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा खेल दिखाई, मैं जरूर हारी लेकिन यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी के फैसिलिटी जो अवेलेबल कराई थी उससे खुश होकर उन्होंने अकाउंट में 5100 रुपए भेज दिया है और कहा आपका शुक्रिया कि आजमगढ़ की मेहमान नवाजी पसंद आई, आजमगढ़ की मेहमान नवाजी पसंद आई चंदौली टीम को और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं आपका शुक्रिया। और 51 मंजू भाई के ट्रांसफर किया है कि वाकई में जो नाम सुना जा रहा था आजमगढ़ का वैसा ही मिला अमजद खान एंड कमेटी, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की, शुक्रिया। तैयार नितिन टिकट पहुंचे वीरा के लिए, एक और एक मिडाफ के ऊपर से, मैदान के ऊपर से एक मिडाफ के ऊपर से वीरा बता रहे हैं वजन ज्यादा मेरा है लेकिन मेरे बल्ले में जो एवं का स्टॉक लगा है वो बहुत प्यारा बल रन निकाल रहा है, रन बहुत निकाल रहा है, इसको 54। तो अपने भाई मेहमान नवाजी के लिए मैं आपका शुक्रिया कि आपने आजमगढ़ के नाम को कहीं से तुम्हें नहीं होने दिया। नितिन गुप्त पहुंचे और इस तरह नजाकत के साथ खेल आगे कौन की तरफ जा रही है, कहीं पावर तो कहीं नजाकत, तो सबको दिखाया वीरा, वीरा का नाम क्यों पड़ा है ये बता रहा है कि पैसन इज नॉट पावर, जनता ताकत नहीं होती है। तो गगन भेदी स्टॉक एक नजाकत के साथ चौका, स्कोर जब पहुंचा यहां पे 58 और ये ओवर नंबर 4 चल रहा है, 10+10 का मुकाबला है। कलीम एंड कंपनी में देख रहा हूं कुछ बातें कर रहे हैं आप किसी फोन से, नितिन तैया और ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 58, 10+10 का मुकाबला है। अगले 2-3 वक्त में जो रहा हो कमेंट्री में अभिषार साहब आकाश जी को शुक्रिया साहब का आभार। तो जो दर्शक देरी से जुड़े हैं आइए का खूबसूरत जिला स्टेट कप चल रहा है, आज इस टूर्नामेंट का चौथा दिन है, चौथे दिन का पहला मुकाबला बरेली और हरियाणा के दरमियान टॉस जीता हरियाणा ने, पहले गेंदबाजी करने का फैसला निर्धारित 4 ओवर में 2 विकेट खोकर 58 रन बना ली है। 5वें ओवर की पहली गेंद फेंकी जानी है, 10+10 ओवर का मुकाबला और पूरी तरह से हमारे दोनों आजमी साहबान बालक अभी अभिषेक
बॉलर अभी अभी आए हैं पांचवा ओवर लेकर। तो मैं चर्चा कर रहा था अपने उन दोनों आदमी साहिबान जनाबे कमर आसिफ और आफ्ताब महुली को, जिन्होंने हमारे इस खेल को एक अलग पहचान दिलाई। साथ ही साथ हसीब अजीज का भी शुक्रिया। अभी तैयार हो रहे हैं, अभिषेक तैयार हो रहे हैं पवेलियन वाले छोर पे। सामने है बल्लेबाज का नाम, एक गेंदों का सामना किया, बेहतरीन छक्का लगाया, 600 के उस्ताद ग्रेड से सामना करेंगे। चले अभिषेक की क्या खूबसूरत नजाकत, भरी गेंदबाजी और हल्के बल्लों से मोड़ा है, बिल्कुल इस बार लेग की तरफ गेंद पहुंची, वहां पर फील्ड की गई, दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ छोर को बदल दिया है। एक और जोड़ा जाएगा खाते में टीम नोर 11 बरेली के। टोटल स्कोर इस एक रन के सहारे जा पहुंचा 62 रन। ग्राउंड के चारों दिशाओं में खूबसूरती के साथ तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है हमारे मुल्क की आन बान शान, जो हमेशा हमें मिलजुल कर रहने का पैगाम देता है। इस बीच चले अभिषेक की अगली गेंद वीरा के लिए, वीरा ने कोई जोखिम कोई रिस्क नहीं लेना चाहा और कवर की तरफ ढकेला था, गेंद फील्ड कर ली गई, रन लेने का कोई अवसर नहीं। खामोश क्रिकेट चलता हुआ, दर्शक की बात की जाए तो कल के मुकाबले थोड़ा सा कम जरूर है। इस बीच लॉक किया है रडार में गेंद थी वीरा ने, ये जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। तो तीसरा छक्का निकलता हुआ बल्लेबाज वीरा के बल्ले से, टोटल स्कोर रायबरेली का जा पहुंचा 65 और वीरा का अपना व्यक्तिगत स्कोर 22 रन। 9 गेंदे और नोर 11 बरेली हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करता हुआ। जितने भी मेहमान यहां पर जलवा फरोश है तमाम लोगों का शुक्रिया, वेलकम और खैर मतलब। अभिषेक चले एक बार में अगले नंबर कदा यार गेंद की गेंद धीरे से आ रहा है और उनके हाथ से छिटक गई गेंद, दौड़कर एक रन पूरा कर लिया। यहां पर वीरा को एक नई जिंदगी मिलती हुई, अगर यहां से वीरा का कैच लपट लिया जाता तो थोड़ा सा जो यहां से खुशखबरी होती टीम हरियाणा के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक जिंदगी नई मिली है और सद्दाम है स्टाइल वाले छोर पर। सद्दाम ने इस मरतबा बाहर जाती हुई गेंद को घुटने टेकने के बाद पुल करने की कोशिश की थी, अंपायर रियाज साहब का इशारा आ रहा है वाइड। तो जो यहां पर अतिरिक्त रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ टोटल स्कोर जो है स्कोर कार्ड 67 रन शो कर रहा है। अभिषेक की एक और खूबसूरत स्लीवर गेंद, जैसे देखा पूरी तरह से कमिट है बल्लेबाज सद्दाम, गेंद गति में परिवर्तन किया और बल्लेबाज सद्दाम को चकमा दिया, बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। आइए बात करते हैं टीम हरियाणा जो अलग सूबे से चलकर आई है, बिल्कुल सारे खिलाड़ी एक ही ऊपर के हैं। इस बीच सद्दाम के बल्ले से निकलता हुआ एक और गगनचुंबी शॉट 6 रन, मर का ऐलान अंपायर मोहम्मद रियाज का। तो 5 ओवर के बाद टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम नूर 11 बरेली 73-2 विकेट के नुकसान पर। इसमें से जो भी टीम मुकाबले को अपने नाम करेगी, अगला मुकाबला गाजीपुर की ऐतिहासिक तारीखी सरजमीन से आई हुई टीम के साथ खेला जाएगा। राजकुमार बालर, राजकुमार को लाया गया है कोटे का पहला टीम की जानिब से, 6 ओवर लेकर तैयार है, 10+10 ओवर का मुकाबला है। 5 ओवर के बाद 73 रन स्कोर का शो कर रहा है, 14.60 रन प्रति ओवर औसत है, रन इस वक्त नोर 11 बरेली बनाती हुई नजर आ रही है। अगर इसी तरह से रन बनता रहा तो मैं बता दूं 170 रन प्रोजेक्टेड स्कोर शो कर रहा है। शुक्रिया बेहतरीन स्कोरिंग के लिए हसीब अजीज बद्दोपुर। राजकुमार क्या खूबसूरती के साथ यहाँ पर अफगान भाई गेंदबाजी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि
जो है पूरी तरह से प्रैक्टिस करवाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अपनी सिल्वर गेंद के साथ चकमा दिया वीरा जैसे बल्लेबाज को। वीरा जिन्होंने अभी तक 11 गेंदों का सामना किया, 23 रन बनाया, 3 शानदार गगन भेदी छक्के और एक चौके की मदद से सामना करेंगे इस बार राजकुमार की गेंद का। राजकुमार तैयार हो रहे हैं, छोटा सा बॉल रनर साइड, पटकी हुई गेंद, फिर से जो है सिल्वर गेंद में आत्मविश्वास जो है इस वक्त हरियाणा का जागता हुआ नजर आ रहा है। सारे गेंदबाज बिल्कुल अफगान साहब जो अनुमान लगाया जा रहा था इन छोरों को देखने के बाद, कहीं उससे अलहदा खेल पेश करते हुए ऑर्गेनाइजर ऑफ द टूर्नामेंट इन फनकारों के बेहतरीन खेल से बहुत जो है प्रभावित हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं जनाबे अमजद साहब वाइट का इशारा, अतिरिक्त में एक और रन इजाफा होता हुआ, अतिरिक्त रनों की संख्या बढ़ती हुई। इस बीच चले राजकुमार, इससे बिल्कुल जो है यहाँ पर वीरा को परेशान कर रखा है, जो लाइन लेंथ है बॉलिंग का वाकई में सराहनीय है, काबिले तारीफ है। बिल्कुल गेंद में गति नहीं दे रहे हैं जिससे बल्लेबाजों को लंबे हिट के लिए दुश्वारियां हो रही है, लेकिन सब काम क्या करते हैं, सब काम का आगमन हो चुका है स्ट्राइक वाले छोर पर। फिर से एक और स्पिन ओवर, यहाँ पर एक मौका बन रहा था, अगर स्लिप पर कोई खिलाड़ी शॉट होता तो यकीनन सद्दाम को यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ता, बल्ले का बाहर एक किनारा जरूर ली थी गेंद, खुशकी मत रहे जो है स्लिप का जो फील्डर है थोड़ा सा डीप रह गया था और गेंद जमीन से नमन कर चुकी थी। स्कोर कार्ड की बात कर लीजिए, 78 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5.5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। जो भी टीम मुकाबले को जीतेगी सीधा गाजीपुर से मुकाबला, और यहाँ पर एक और मौका बन रहा था वीरा के लिए, लेकिन पूरी तरह से कैच ड्रॉप होता हुआ गेंदबाज के हाथ से। 6 ओवर के बाद 78 2 विकेट के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई नूर 11 बरेली। जिन्होंने पारी की शुरुआत की गेंदबाजी की तरफ से 2 ओवर 28 रन 1 विकेट, राजकुमार 2 ओवर 19 रन 1 विकेट, नितिन थोड़ा सा यहां पर महंगे साबित हुए 1 ओवर जी हां भाई दिल्ली नहीं आई है और 16 रन खर्च किए। वहीं पर बात की जाए अभिषेक की, बॉलर ना उन्होंने 1 ओवर की गेंदबाजी की और 15 रन खर्च किए। तो यहां पर मैं देख रहा हूं टोटल स्कोर जो है 6 ओवर के बाद नूर 11 बरेली का 78 रन 2 बल्लेबाज पवेलियन में आ चुके हैं दोनों सलामी बल्लेबाज। सद्दाम के लिए पहली गेंद, पटकी हुई गेंद, फिर से सिल्वर गेंद और बार बार सद्दाम को परेशान करती हुई। अभिषेक जिन्होंने इससे पहले 1 ओवर में 15 रन खर्च किया था, कैप्टन ने फिर से बॉलिंग मोर्चे पर लाया है। इस खेल का दूसरा ओवर है और टीम की जानिब से 7 ओवर लेकर तैयार है। सामने है बल्लेबाज दाहिने हाथ के, सद्दाम के लिए लूज डॉट को खेला है कलाइनों के सहारे और वहां पर मिसफील्ड जरूर हुई, यहां पर 1 रन होना चाहिए, दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरा कर लिया, 2 रन के सहारे नूर 11 बरेली का जा पहुंचा। 80 रन 6.2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। ग्राउंड के चारों दिशाओं में राष्ट्रीय ध्वज खूबसूरती के साथ पश्चिमी छोर से आने वाली हवाओं के साथ लहलहाता हुआ। इस बीच फिर से कलाइयों के सहारे मुड़ा है पायलट की तरफ, फील्डर मौजूद लेकिन
ही उसकी पहुंच से दूर एक पत्ते के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन चौके की मदद से स्कोर 84 रन दो विकेट के बाद 6-3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 10+10 ओवर का यह मुकाबला जो दर्शक तेजी से जुड़े हैं मैं बता दूं हरियाणा और बरेली के दरमियान मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस जीता हरियाणा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला वहीं पर जो सूरत गाजीपुर को अकबर कर दे दिया गया है। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। इसमें से जो भी टीम जीतेगी उससे रन शो कर रहा है। सद्दा एक मरतबा फिर से तैयार है किसी भी जो है खेत का सामना करने के लिए। दाएं हाथ के बल्लेबाज सद्दाम के लिए दाएं हाथ का एक गेंदबाज मौका है नीचे आ रहे हैं क्या आउट होंगे बल्लेबाज सद्दाम का विकेट यहां पर जटा हुआ राहुल ने एक और खूबसूरत कैच लपका है। इससे पहले मैं देख रहा था जो है आतिफ के लिए बाई तरफ दौड़ लगाकर कैच लपका था। ए आर ट्रेडर जनाबे अब्दुल्ला साहब की तरफ से 100 रुपए का इनाम आया था। यहाँ पर एक और खूबसूरत कैच लपका है 84 के युग पर लगने वाला तीसरा झटका और 6.4 ओवर की गेंदबाजी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। और मैं देख रहा हूँ अहमद राजापुर सिकलौर का आगमन हो चुका है। आपका भी वेलकम खैर मकदूम जनाबे उमर साहब वर्तमान बीडीसी आज जो है सारे काम धाम को छोड़कर बिल्कुल ये फैसला करके आए भैया आपको बस स्टेज पे बैठ के मैच का आनंद लेना है। मैच को बड़ी ही खूबसूरती के साथ देख रहे हैं। तमाम बच्चों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी मेहनतें ग्राउंड को बनाने में रही जिनकी काविशें जिनकी दुआएं उनमें बुजुर्गों का भी नाम है। वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा लेकिन क्या खूबसूरत पहली गेंद का सामना किया है और गेंद को भेजा है सीधा मैदान क्षेत्र में इशारा आना बाकी है अंपायर का। वहां पर कश्मकश में ऐसा लग रहा दर्शक जो है बता दे वहां पर जो दर्शक बता दे 4 रन का इशारा आ रहा है दर्शकों का। तो पहली गेंद का सामना किया बल्लेबाज आतिफ ने गेंद को पहुंचाया 4 रन के लिए मिड आउट बाउंड्री लाइन के बाहर। तो चौके की मदद से 88 रन। आइए थोड़ा सा नजर डालते हैं उन नौजवानों पर उन बच्चों पर उन बुजुर्गों पर जिनकी मेहनतें जिनकी दुआएं जिनका ताल क्या भाई स्कोर बोर्ड नहीं चल रहा है क्या किया जाए अभी देखते हैं क्या बोर्ड आया है। डॉक्टर मोहम्मद शाहिद बाद में चलाते हैं साबिक प्रधान बखरा जनाबे अबू बकर खान पूरा उमर बीडीपी बखरा मोहम्मद अशाद शेख मोहम्मद साकिब दुबई मोहम्मद इमरान दुबई मोहम्मद रकीब दुबई मोहम्मद वसीम सऊदी। इस बीच चले पवेलियन वाले छोर से इस मरतबा टाउन का ग्राउंड लॉन्ग ऑफ वाले क्षेत्र पर भेजा है। वहां पर बिल्कुल बाउंड्री लाइन से कटे हुए राहुल ने गेंद को गेदर किया एक रन का अवसर था। इस बीच दोनों बल्लेबाजों के पास कॉल कर पूरा किया 89 पर 3-7 ओवर के बाद। तो मैं चर्चा कर रहा था उन तमाम शहजादों की तमाम नौजवानों की जिनकी आजमगढ़ का मैच कल है भाई कल है कल सेमीफाइनल दोनों ही टीमें आजमगढ़ और मऊ की टीमें बीजेपी नेता मोहम्मद उस्मान पूना अंसार अहमद बखरा मेरे ख्याल से अमजद भाई ये अंसार भाई का कल आगमन होगा और चीफ गेस्ट है इस टूर्नामेंट के। कल मेरे पास फोन आया था कल आगमन होगा आपका भी वेलकम कर रहा है आपका ये खूबसूरत टूर्नामेंट। सिराज अहमद है मोहम्मद जाहिर खान मोहम्मद का नाम शाकिर शुक्रिया रियाज साहब शाकिर आए हैं मोहम्मद जाहिर खान मोहम्मद नासिर बकरा मोहम्मद हाजिक बकरा क्लोज रहा
वीरा के लिए गेंद लेग स्टंप से बाहर थी, पुल करने का प्रयास लेकिन पूरी तरह से जो है एक पल्ले पर नहीं लगी। नो का इशारा आ रहा है अंपायर मोहम्मद कलीम का, तो यहां पर एक मौका होगा बल्लेबाज आतिक के पास। आइए अंपायर का नाम आया है तो चर्चा कर ली जाए। टूर्नामेंट का चौथा दिन है, चौथे दिन में लगातार जो है खूबसूरती के साथ अंपायरिंग देखने को मिली है अंपायर मोहम्मद रियाज और कलीम बखरा के बीच। नो बॉल का इशारा आ रहा है, यहां पर एक रन और अतिरिक्त की शक्ल में जोड़े जाएंगे। टोटल एक रन, यह कल सेमीफाइनल है, 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। स्कोरिंग कुछ फॉल्ट चल रहा है भाई, थोड़ा सा अपडेट नहीं हो रही थी इसलिए हटा दिया। आतिफ के लिए बिल्कुल खूबसूरती के साथ गेट को खोद कर निकाला और लांगार के ऊपर से लगाया छह रन, छक्के की मदद से टोटल स्कोर 98 रन। वीरा जिन्होंने 15 गेंदों का सामना किया और टीम के लिए 26 रन बनाए, उनकी पारी में 3 गगन भेदी छक्के और एक शानदार चौका शामिल रहा। वहीं पर बात कर लीजिए आतिफ की, तो अभी तक 3 चौके स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करता हुआ इस नौजवान 4 गेंदों का सामना और स्कोर कार्ड 12 रन शो कर रहा है। छोटी सी पारी में एक शानदार छक्के और एक चौका शामिल। शाकिर अगली गेंद के साथ तैयार हो रहे हैं आतिफ के लिए, फिर से इस मरतबा कलाइयों के सहारे बना है गेंद, फाइनल की तरफ जा रही है और किसी फील्डर के लिए वहां कोई मौका नहीं। 4 रन और आएंगे खाते में, 100 रन पूरा होता हुआ इस वक्त टीम नूर 11 बरेली का 102 पर जा पहुंचा। खामोश क्रिकेट जरूर है लेकिन कल भी जब अफगान भाई मुकाबला शुरू हुआ था तो दर्शक बहुत कम थे, लेकिन जैसे जैसे दर्शकों का एक हुजूम देखने को यहां मिला और कल का भैया क्या खूबसूरत मुकाबला, क्वार्टर फाइनल मुकाबला हुआ था, बिल्कुल तमाम दर्शकों की धड़कनें रुकी हुई थी। मैं चर्चा करूंगा उस मुकाबले के लिए, लेकिन इस बीच क्या खूबसूरत चौका आता हुआ बल्लेबाज आतिफ के बल्ले से, स्कोर 106 रन। 106 रन लगातार बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है। अगर शाकिर के मर को छोड़ दिया जाए, क्योंकि शाकिर के लगातार जो है करीब परीक्षा ले रहे हैं बल्लेबाज आतिफ, स्कोर इस छक्के की मदद से 112 रन नूर 11 बरेली का। लगातार ये खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी, ऐसा लग रहा है कि ट्रॉफी के बीचों बीच जो है संगमरमर को लगाकर किसी शहजादे ने क्या खूबसूरत नक्काशी की है। बिल्कुल आप देख सकते हैं इस टूर्नामेंट की शोभा को बढ़ोतरी देती हुई। शुक्रिया आशीष भाई, इशारा आपका मैं समझ गया हूँ भाई, वॉलंटियर पानी पहुंचा दे जो हमारे लाइव प्रसारण कर रहे हैं, तीनों लोग उनके लिए पानी पहुंचा दिया जाए। तो एक और ओवर का ऐलान, आइए 8 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। टॉस हारने के बाद पहले गेंदबाजी करती हुई यहां पर नूर 11 बरेली ने 8 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर बनाया है 113 रन। मैं चर्चा कर रहा था ट्रॉफी की, तो जिन साहब को भी खूबसूरत ट्रॉफी या स्पोर्ट्स से संबंधित या खेल से संबंधित कोई भी सामान उचित रेट पर चाहिए, मुनासिब रेट पर चाहिए, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पता याद रहे, नियर बॉम्बे ढाबा मेन रोड, साथ ही साथ स्टार भी भेजते रहे, स्टार भी भेजते रहे, शेयर भी करते रहे, लाइक भी करते रहे। बिल्कुल
जिनके प्रोक्राइटर से और पहली गेंद मैं कमेंट्री के लिए सीधा जोड़ता हूँ सीनियर कमेंटेटर जनाब शाह अफगान के साथ। बॉलर शुक्रिया नितिन आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। अब साथ साथ शुक्रिया नितिन है गेंदबाज 113 रन। बिलिंग एन आप लोग अपना सेटअप कर लिए फॉर्म फिलअप करने दोस्त तैयार है तो नौ ओवर लेके तैयार है 113 है तो आठ ओवर में 112 रन तो बनते ही बनते हैं। कोई बहुत तेज तरार बल्लेबाजी नहीं की है नूर 11 के लिए लेकिन तैयार अपने फील्डरों को जैसा तरतीब दे रहे हैं। तो इसके बाद मुकाबला गाजीपुर से होगा जिसका नाम दिया गया सीआरपीएफ गाजीपुर जो टीम जीतेगी उससे मुकाबला होगा। मिथुन तैयार और प्राखो चतुष्टोक चौथा खेला गया आदित्य के साथ 119 बहुत प्यारी बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज जिम्मेदारी के साथ सीधे बल्ले से खेलने वाला बल्लेबाज हमेशा कामयाब होता है हमेशा अच्छा बल्लेबाज कहा जाता है। ये बखरा T10 कप 2022 जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आज चौथा दिन क्या खूबसूरत दोस्त क्लिक कर रहा है ये नौजवान कभी कटाइयों के साथ कभी सीधे बल्ले से लगातार रन बना रहा है चौके के साथ इसको जा पहुंचा 123 पे 3 विकेट है बेहतरीन ये मुकाबला नितिन तैयार युद्ध तक पहुंचे और ये हेलीकॉप्टर के अंदाज में कैच की संभावना राहुल कैच नहीं छोड़ते हैं जब तक कोई कैच नहीं छोड़ा है। अब नए बल्लेबाज जा रहे इनका नाम बता दें सहराब सहराब पहुंचे बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्त आप लोग दूर से खेलने के लिए आ रहे हैं किडअप होकर आए एक जैसी टी शर्ट पहन के कम से कम आए वीरा रेड में है ये नया खिलाड़ी जा रहा है दूसरी टी शर्ट में तो आप लोग जिला स्तरीय अपने जिले का नेतृत्व कर रहे हैं और अगर किट पहन के नहीं आ रहे तो अच्छा नहीं लग रहा है। हरियाणा की टीम बिल्कुल पूरे किट अप है तो सारी टीमों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने किट का इंतजाम कर ले कल फाइनल डे है कल आना होगा ये मंत्र जमीनी कमेटी का फैसला है कल दिए गए वक्त पे आना होगा। गाजीपुर की टीम को वक्त दिया गया था 11 बजे लेकिन वो माशाल्लाह 10 बजे ही आ गई 9 बजे तो अफगन स्पोर्ट 70-72 ये टीम थी सरामीर गाजीपुर और उनका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ आभार व्यक्त कर रहा हूँ अंकित काल की अनुज जैसे स्टार खिलाड़ी हमारे शाप पे आकर रुक कर फिर ग्राउंड पे आए हैं तैयार होते और फिर मरतबा अच्छी गेंद ड्राइव किया है सीधे बल्ले से कारपेट के सहारे एक रन मिलेगा स्कोर सी एक के साथ 124 पे 4 1-2-4-4 यानी 124 पे 4 ओवर नंबर 9 चल रहा है। ये हरियाणा के छोटे बच्चे अपने गेम को शो कर रहे हैं एक ही गांव के ये बच्चे जिले के नहीं एक गांव के बच्चे हैं उनकी समझ में आया था कि ये पवन ग्राम सभा है जिला स्तर नहीं समझ पाए थे बच्चे और ये लेके आए हैं वर्तमान बीडीसी बकरा उमर साहब देखे जा रहे हैं इनकी पसंद बड़ी निराली है ये हर चीज को बड़े प्यारे अंदाज में पसंद करते हैं। इस ट्रॉफी जो आई है ये उन्हीं की पसंद है वरना बकरा कप की ट्रॉफी कोई दूसरी बनी थी लेकिन कहा नहीं मुझे ये ट्रॉफी पसंद है मैं ये लेके जाऊंगा और ये आजमगढ़ जिले में अब तक इस सबसे खूबसूरत सबसे बड़ी ट्रॉफी आई है। एक मरतबा फिर आप देख रहे हैं बड़ा को प्रतिष्ठ हो गए बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए इसी 6 के पार इसको जा पहुंचा 130 131 9 और किस बात पे 131 10 ओवर में तो यहां 215 बने 10 ओवर में तो यहां 172 बने लेकिन 8 ओवर में यहां 97 सेफ हुए हैं ये स्पोर्टिंग विकेट है यहां 8 ओवर में 97 रन बनाकर टीम मैच को बचा लिया है तो ये स्पोर्टिंग विकेट अगर आप हिम्मत से और मेहनत से गिरफ्तारी करेंगे तो काम बनेगा। कल अफजल अलम कोलारी टीम 97 रन से पहले टीम को रोक कर मैच जीता है उसमें मौलवी अहमद
बॉलर का नाम समीर समीर। और यासिर अरफात ने बेहतरीन गेंदबाजी की, अनस ने आकर अकेले बहुत अच्छा काम किया, तीन विकेट लिया था यासिर अरफात। एमएस स्पोर्ट के ऑर्डर ने चुना गया मैन ऑफ द मैच। समीर क्या कहेंगे, तो ये स्पोर्टिंग विकेट है। समित आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। समित किस तरह से गेंदबाजी करेंगे भाई, पर बॉल का मैच कल है, ये लेमन टी वाले यहाँ पे कल होगा, कल खेलते मंजिल पट्टी में। अब यहाँ पे दोनों आजमगढ़ की टीम है। और फिस मतवा जीरा का एक अंगा स्ट्रोक जो काउंट के बाद 137 लॉस ऑफ फोर विकेट। नाउ फाइनल वर्क प्रोग्रेस बाय समित। तो समित के द्वारा आजमगढ़ की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, सेमीफाइनल मुकाबला कल खेलेगी। गाजीपुर सीआरपीएफ स्पोर्ट क्लब गाजीपुर पढ़ रहा है अपने मध्य मुकाबले को। पीए समित याद हल्के से बार में रबर लगाई है, लेकिन वीरा रखने का नाम नहीं ले रहा है, जो लगातार राहुल के फील्डिंग की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। चोट लगी है, एक के बाद दो रन पूरा कर रहे हैं इसी तौर के साथ 139। और ये राहुल को चोट लग गई, जमीन पर लग गए वहीं पे, अब लोग उन्हें उठा रहे हैं। उमर खुद जा रहे हैं जो बूढ़ी सी है देखने के लिए कि चोट कितनी आई है। ये तो दोस्तों चोट गंभीर लग रही है, चोट गंभीर लग रही है, पूरी टीम वहां पर आई, अंपायर भी आ रहे हैं। जी भैया ऐप में कुछ फॉल्ट आ गया है, ऐप के सर्वर से वो नहीं हो रहा है। एक पानी पे आके बल्लेबाज कभी एक सौ उनतालीस चार विकेटों के नुकसान थे। तो वीरा वन डाउन बल्लेबाजी करने के लिए आए थे और रुकर यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अनुज की रफ्तार भरी गई, ज्ञानेश्वर की सवाल पूछती हुई गई और अंकित कालके की रफ्तारों से बीट करने वाला गेंदबाज जब आएगा, ये वीरा एंड कंपनी के साथ सामना करेगी देखा जाएगा। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि वीरा एंड कंपनी क्वार्टर में आ रही है। ये अभी तो गेंदबाजी अच्छी किया है टीम हरियाणा, हरियाणा अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, वो बहुत रन नहीं खर्च किया है। और ये इस मरतबा फिर खतरा बन रहा है, वीरा इज आउट 141/5। अब इस बल्लेबाज का नाम बता दें, हफीज जा रहा बल्लेबाजी करने के लिए नूर इलेवन बरेली। ये राय बरेली नहीं है, ये नूर इलेवन बरेली है, दिल्ली के पास ये है, वहां से चल के एक उत्तर प्रदेश की टीम आई है अपने गेम को शो करने के लिए। वीरा एक अच्छी बल्लेबाजी करके वापस आए हैं, कितने रन बनाए हैं वीरा बता देंगे इस गोर 35-35। वन डाउन दसवें ओवर में मैं देख रहा हूं आ रहे हैं और मात्र 35 रन। तो इस खेल में तो 80 रन 70 रन 78 रन 50 रन 12-13 कितने लोग बना डालते हैं तैयार होते हैं। एक और हफ्ते इसके बल्ले शिखर के स्टॉप 6 रनों के लिए 145 145/5। दर्शकों का शुक्रिया इस ग्राउंड को जुड़ने के लिए। रात की कमेंटे कुछ आवाज को खराब कर देती है इस ठंडक में। मंजी पट्टी वाईएमसी में रात कमेंट खत्म हुआ है 2 बजे, तो रात में कमेंटे किया रास्ता गला पकड़ा है, इंशाल्लाह कल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सूर्य के साथ आप देखें एक रन लेगा कल फाइनल डे है, कल जफर सिद्दीकी आने वाले हैं उस रोस्तर साहब के नाम से जाने जाते हैं। 2 पूरा किया और ये रन आउट होने का चांस बन रहा था, लेकिन हफीज अभी जगह सही है नहीं, तो 147 रन बने हैं। एक और विकेट छठा आघात लगा है,
जी भाई, कल हनुमान भाई की टीम। हफीज इस टाइप का है, एक और अच्छा स्टेप खेला गया हफीज के द्वारा, जहां पे आप देख रहे हैं कि टी का पूरा करके तोते के लिए भाग रहा है। आगे बाउंड्री के बाहर चार, एक बाउंड्री लाइन के आस पास चार रन के लिए 151 का टारगेट, 10 ओवर में 152 का टारगेट मिला है दोस्त, तो 1700 लेके चलना होगा इस मुकाबले को जीतने के लिए। का टारगेट मिला है हरियाणा को, तो हरियाणा किस तरह से अपने काम को अंजाम देगा, किस तरह से बल्लेबाजी करेगा, 15 से जरा सा ऊपर खासियत है। अहमद सर यहां पे हैं, एक अच्छे अंपायर हैं, कलीम साहब पान बहुत खाते, उनके पास एक पोटे होती है, एक पोलती उसमें पान भरा रहता है। फोन किए रहे ना, बोल ले रहा हूँ। All right.
पूरा पूरा थोड़ा बहुत ना पूरा पूरा कैया दर्शाए करिए टीटल का बखरा का चौथा दिन चौथे दिन का पहला मुकाबला नूर 11 बरेली और हरियाणा के बीच टॉस हुआ, टॉस जीता हरियाणा ने और पहले गेंदबाजी का करने का फैसला वहीं पर बल्लेबाजी करने उतरी टीम नूर 11 बरेली की तरफ से सलामी बल्लेबाज की शक्ल में अतहर और मोहम्मद आकिब मलिक। अतहर 7 गेंद 15 रन टीम के लिए, मोहम्मद आकिब ने 9 गेंदों का सामना किया टीम के लिए 21 रन बनाए। उनकी इस पारी में 2 शानदार छक्के और 2 चौके शामिल। वीरा जो आखिरी तक लगातार जद्दोजहद करते रहे एक लंबे स्कोर की तलाश में, उन्होंने 19 गेंदों का सामना किया, 35 रन बनाए टीम के लिए, 4 शानदार गगनभेदी छक्के 1 चौके की मदद से। सद्दाम कैप्टन 10 गेंद 21 रन, आतिफ 11 गेंद 33 रन, सौरभ 2 गेंद 7 रन, शाहिब 3 गेंद 12 रन। ये रहा जो है बैटिंग का टीम नूर 11 बरेली का। वहीं पर आइए इन गेंदबाजों पर नजर डाली जाए। गेंदबाजी का जो विश्लेषण रहा है, यश 2 ओवर 28 रन 1 विकेट कोई मेडल नहीं, राजकुमार 2 ओवर 19 रन 1 विकेट कोई मेडल नहीं, नितिन 2 ओवर 34 रन 1 विकेट कोई मेडल नहीं, अभिषेक 2 ओवर 26 रन 1 विकेट कोई मेडल नहीं, शाकिर और समीर से एक ओवर की गेंदबाजी यहां पर कैप्टन ने करवाई। तो कुल मिला जुला कर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम नूर 11 बरेली ने निर्धारित 10 ओवर में 6 विकेट खोकर 151 रन बनाया है, 152 जैसा लक्ष्य मिला है। भाई मैच ऑन करते जो ग्राउंड पर है, नुमान का मैच कल है भाई, सेमीफाइनल और फाइनल कल है। पहले बार की जिम्मेदारी लेकर तैयार है नूर 11 बरेली की जानिब से। चलिए जब तक आप लोग लगे रहिए लाइक और शेयर करते रहिए, हम आते हैं। और दोनों सलामी बल्लेबाज का नाम बता दे, कैप्टन हरियाणा नितिन और राजकुमार की जोड़ी में देख रहा हूँ, मैदान के अंदर पहुंच चुकी है स्कोर का आगाज करने के लिए 152 रन का जवाब देने के लिए। आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं इस ग्राउंड के बारे में, इस पिच के बारे में। हमारे साथी कमेंटेटर जनाब शाबदार साहब बता रहे थे आपको, पहले 2-3 दिन तक जो है यही कहा जा रहा था, अफगान भाई झाड़े पहुंचाने ग्राउंड पे झाड़ो, यही कहा जा रहा है कि बैटिंग पिच है, लेकिन कल के मुकाबले के देखने के बाद ये पता चल रहा है कि ये ना तो बैटिंग पिच है ना तो बॉलिंग पिच है, खेल पिच है। आप जैसा चाहेंगे खेल शो कर सकते हैं, क्योंकि मऊ ने इसी पिच पर 215 स्कोर किया था और कल आजमगढ़ जैसी टीम 97 रन बनाकर 8 ओवर में सेफ रही। तो ये खेल पिच है, आप जैसा खेलेंगे। भाई वॉलेंटियर फौरन ग्राउंड में पहुंचे, फौरन ग्राउंड में पहुंचे। रख ला मंगिया झूठे रख ला, मांगेंगे ना पड़े तू लोग। मोबाइल बहुत अच्छा है।
बहुत प्यारा है। समझ लो जितना गाजीपुर चलना पड़ेगा, गाजीपुर चलना पड़ेगा। ठीक है ना बाबू, ठीक है वालेंटियर और साफ ना आवत एकदम क्लियर जा यूट्यूब पर देखा। चलो ठीक हो रही, अच्छी टीम पूजा बढ़िया रही। गो लाइन बीच में कुछ जो दिक्कत आई थी मैं देख रहा हूं, फराज खान बेहतरीन वालेंटियर इस टूर्नामेंट का, उसको दुरुस्त करने के लिए मैदान के अंदर जा रहे हैं। और कस्बा माहौल जनाबे कमर आसिफ साहब के साथ इस वक्त देखा जा रहा है अपने मैचों का ऐलान करो थे टूर्नामेंट हम जब अपने मैचों का ऐलान करवाओ और सब करें बरेली के वोट करके तब ना मजा आएगा। देखा देवे ना मैं बहुत दूर रहा था। गाजीपुर ना गाजीपुर देगी है मुआ बकरी मिलान दे रही है। ये तो स्टंप हुआ कहाँ है ये वाला, अच्छा ये दे चलाओ चला चलाओ तो दर्शक एक मरतबा फिर से आपको आवाज दी जा रही है, तैयार हो जाए, बड़ा मुकाबला होने को है। हरियाणा के दोनों बल्लेबाज मैदान पर पहुंच चुके हैं 152 रनों का जवाब देने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ कम बॉक्स में हमारे सहयोगी कमेंटेटर जनाबे शाह अफगान और स्कोरर की भूमिका में अंजर और जुहैब आलम इस वक्त हमारे बाई जानिब मौजूद है, जो बेहतरीन अंदाज में स्कोरिंग के काम को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में आए हुए तमाम खेल प्रेमियों का मैं वेलकम और खैर मकदम कर रहा हूं। आके खुल जा थोड़ा सा, स्लिप ले, खुल कर थोड़ा चलिए पहली गेंद और पूरी तरह से बाड़ी से आकर लगने दिया और जब तक थाई लेग से छिटक कर पॉइंट पर जाती गेंद दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने एक रन किया। इस एक रन के साथ स्कोर का आगाज किया। मिस्टर कलीम आपके लिए यहां पर अहमद प्राम आरपीएफ की तरफ से कुछ इनाम आया है, अब इनाम जो है आपके डिसीजन पर तय होगा इनाम लेना है या देना है। इस बीच अंपायर साहब माइक ऑफ कर दीजिए, जब वहां से बोलना होगा तब ऑन कर दीजिएगा। आप चलिए तो मैं बता दूं तमाम दर्शकों को जो बार बार कमेंट्री रोक दी जा रही है, हमारे साथ इस वक्त अफगान साहब जुड़े हैं और जो अफगान स्पोर्ट 70-70 के ओनर है आज जो है शॉप पर नहीं है, लगातार जो है सीजन चल रहा है और कस्टमर का आवागमन हो रहा है जिसकी वजह से बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। मैं एक बार फिर से तमाम दर्शकों से माफी चाहता हूं। आइए लाइक और शेयर करते हैं, लाइक और शेयर करते हैं मुकाबले के लिए। कार खाते के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए नोन 11 ने बनाया 151 रन और 152
कौन सा टारगेट दिया है टीम हरियाणा को। वहीं पर पहले ओवर का खेल जारी है। राजकुमार और टिंकू जो कैप्टन है हरियाणा के इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर पहुंचे हैं। गेंदबाजी की जिम्मेदारी जो है नूर इलेवन ने हिरदेश के कंधों पर सौंपी है। हिरदेश पवेलियन वाले छोड़ते चले एक मरतबा फिर स्टार्ट किया। मीटर पर पहुंचे गेट की और पूरी तरह से गेट बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। एक रन का अवसर बन रहा था लेकिन खतरे वाले छोर पर थे। कैप्टन टिंकू ने अपने बढ़ते हुए कदम को वापस की तरफ खींचा और दोनों बल्लेबाज जो है इस वक्त सुरक्षित अपनी क्रीज में। स्कोर एक रन। एक विकेट के नुकसान पर एक रन स्कोर का शो कर रहा है और पहले ओवर का खेल जारी है। ऐसे में एक मरतबा फिर खेला है बल्ले से जरूर टकराई गेंद ग्राउंड पर लुढ़कती हुई कारपेट के सहारे पहुंची लगान क्षेत्र में। वहां पर फिल्डर तीन नंबर किट में गेंद को गिदर किया थ्रू किया। दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था एक रन का। कोई तो एक रन के सहारे स्कोर में इजाफा दो रन। लेकिन इस तरह से काम बनने वाला नहीं है। टीम हरियाणा को अगर वाकई में इस मुकाबले में खड़े रहना है तो कुछ अलग यहां पर करने होंगे। 152 जैसा पहाड़ लक्ष्य आपके सामने है। ऐसे में चले निर्देश एक मरतबा फिर से क्या खूबसूरत इन स्विंग आउट स्विंग गेंदबाजी देखने को मिल रही है कि छोरों को लगातार जो है बल्लेबाजी करने में दिक्कतें हो रही है। पूरी तरह से अगर देखा जाए अफगान भाई छह गेंदों की डिलीवरी हुई है जी हां गेंदें ऐसी रही जो बीचों बीच बल्ले पर आके टकराई वरना जो अनुमान लगा रहे थे बल्लेबाज उदाहरण मोहम्मद साहब शुक्रिया अंपायर साहब ने गेंदबाज की शक्ल में इस वक्त टीम नोड 11 बरेली ने अपने कोटे का पहला टीम की जानिब से दूसरा वन लेकर तैयार है। एक ओवर के बाद 152 के जवाब में दो रन हरियाणा टीम 152 का पीछा करती हुई। धूप खिली है आज इस ग्राउंड पर। हालांकि पश्चिमी छोर से हवाओं का झोंका जरूर आ रहा है लेकिन लोगों का इशारा आ रहा है फुल टॉस गेंद सीधा जाकर टकराई विकेट कीपर 57 के हाथ से और ऐसा लग रहा है उसके एक्शन से थोड़ा सा चोट भी आई है और अपने हाथ को सहलाते हुए एक मरतबा फिर से जो है बॉलिंग रन पर जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ गेंदबाज सिहाब साहिब माफ कीजिएगा साहिब है गेंदबाज लेकिन यहाँ पर अगर मुकाबले में बने रहना है दोनों टीमों को तो कुछ अलग करने होंगे। सुजीत और इस ओवर में इस मुकाबले में पहली बार जो है खूबसूरत लांगा कवर और एक्स्ट्रा कवर से होती हुई जो पहुंची बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर चार रन। इस चौके की मदद से टोटल स्कोर जा पहुंचा हरियाणा का 8 रन। दूसरे ओवर का खेल जारी है। 151 रन बनाया है टीम नोर 11 बरेली ने। यहां पर अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी अच्छी पार्टनरशिप करनी होगी कम दूधों पर तभी मुकाबले में बने रह सकते हैं। इस बीच लॉक किया है कवर और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सीधा 6 रन के लिए जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। तो बल्ले से निकलने वाला पहला छक्का टिंकू के दो गेंदों का सामना किया इस वक्त टिंकू ने और 3 गेंदों का सामना अभी तक किया है और 10 के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच गए कैप्टन टिंकू जो इस वक्त कप्तानी पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह की पारी की जरूरत है इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है अगर नूर 11 को इस मुकाबले से बाहर करना है। इस बीच खराब गेंद देखने को मिली है अंपायर का इशारा आ रहा है तो 5 रन जोड़े जाएंगे तोहफे की शक्ल में। अतिरिक्त रनों की संख्या यहां पर मैं देख रहा हूं बढ़ती हुई जा पहुंची है। टोटल स्कोर जा पहुंचा है 32 रन। पहला ओवर के मुकाबले अगर इस ओवर की तुलना की जाए तो कहीं ना कहीं जो है नोड 11 बरेली के दृश्य स्कोर से महंगा साबित होता हुआ। कबर आतिफ आफ्ताब माहौल
हसीबा दीन बद्दोपुर, ये तीनों साहबान जो है विकेट के पीछे से जो हमारे टूर्नामेंट के एक एक मंजिल को जो है हिंदुस्तान के कोने कोने हिंदुस्तान की गलियों गलियों तक जो है पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 रन जोड़े जाएंगे खाते में टीम हरियाणा के, टोटल स्कोर इस 5 रन के सहारे 19 रन जा पहुंचा है। ये बॉलर अब बॉल नहीं फेंक पाएगा। चलिए तो लगातार बॉलिंग में जो है खराब प्रदर्शन रहा अभी तक, और दो दिशाहीन गेंद ऐसी मिली जिसे पेन कर दिया गया है। इस ओवर के लिए अंपायर रियाज साहब का इशारा रहा है। अब देखना है दूसरे ओवर की जिम्मेदारी कैप्टन नूर 11 परेली किस गेंदबाज के कंधे पर सौंपती है। मैं देख रहा हूँ हमारे इस वक्त जो है कंडक से जुड़ चुके हैं सुजीत शान, आपका वेलकम। और सर मक्कम जैसे ये ओवर समाप्त होगा हम चलेंगे सीधा सुजीत शान के पास। तमाम दर्शक जो इस वक्त पूर्व जवान से तशरीफ रहे हैं उन तमाम लोगों का वेलकम और सर मक्कम करते हुए एक मरतबा फिर से बता दो ये जो मुकाबला है आज इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला तीसरे चौथे दिन का नूर 11 बॉलर का नाम शारुल है। नए गेंदबाज शारुल को आजमाया गया है। 19 रन जरूर इसको का शो कर रहा है। बच्चों की गेंदों को पूर्ण करने के लिए शारुल को लाया गया है और टिंकू के लिए बिल्कुल जो है कदम को बाहर की तरफ निकाला और अंदर की तरफ आती हुई गेंद को थोड़ा सा बॉडी को मोह दिया और गेंद को खेला है सीधा 6 रन के लिए। छक्के की मदद से स्कोर कार्ड थोड़ा सा हरकत करता हुआ जा पहुंचा 25 रन। पहले ओवर से जहां आए 3 रन वहीं पर जो है खराब गेंदबाजी शहाब की देखने को मिली। अब उनकी बची हुई गेंदों को पूरा करने के लिए लाया गया है गेंदबाज शाहरुख खान को और यहां पर ओवर थ्रो। इस तरह की गलतियां अगर करते रहेंगे नूर 11 बरेली तो आपके लिए दिक्कत है हो सकती है। आप हो सकता है ये दिक्कत आपको ऐसी खाई में ले जाए जहां से उभर पाना बड़ा मुश्किल हो क्योंकि बहुत ज्यादा स्कोर नहीं है। इस पिच के एतबार से आपने पहले बल्लेबाजी करते हुए 151 रन किया 6 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर 1.5 ओवर का खेल हो चुका है और स्कोर कार्ड 26 रन शो कर रहा है। इस ओवर में चले अगली मरतबा क्या खूबसूरती के साथ घूम कर खेला है गेंद सीधा फील्डर के स्तर के ऊपर से 6 रन जा पहुंची। फील्डर मात्र दर्शक बनकर देखता रह गया और छक्के की मदद से स्कोर बड़ी तेजी के साथ हरकत करता हुआ जा पहुंचा 32 रन 2 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर के पहली गेंद और माइक्रोफोन पर कमेंटेटर सुजीत शान। तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प चल रहा है मैदान के ऊपर। एक तरफ है बरेली तो दूसरी तरफ है हरियाणा और हरियाणा में हम देख रहे हैं युवाओं की टीम है। बरेली के पास खासा अनुभव है इस मैदान इस विकेट पर खेलने के लिए लेकिन जो सम्मानजनक स्कोर है 152 रन बोर्ड पर लगाए हैं बरेली ने उनके विपक्ष में उनके मध्य मुकाबले उनके अगेंस्ट क्या खूबसूरत बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है अब तक दोनों सलामी बल्लेबाजों ने। हम देख रहे हैं नितिन के अनुज स्कोर हुआ इस वक्त बोर्ड पर 32 रन 16 रन प्रति ओवर से टीम लेके जा रही है। तो अब यहां से एक और ओवर पावर प्ले का और बचा हुआ है। 2 ओवर में 32 रन कर लिए बढ़िया शुरुआत में कहूंगा। नितिन के आउट होने के बाद राजकुमार और कप्तान टिंकू ने पारी को संभाला है। अब यहां से एक अच्छी 152 एक बड़ा लक्ष्य होता है उस लक्ष्य तक अगर पहुंचना है तो आपको और भी अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय बल्लेबाजी। जी भाई थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी कुछ लग रही है इसकी वजह से अपडेट नहीं हो रहा था इसलिए रोक दिया हूं। नेक्स्ट मैच में करूंगा वापस से आजमगढ़ की धरती पर। इसी बीच लेफ्ट के ना चाह रहे थे
ऑफसाइड पर, लेकिन सही तरीके से गेंद बल्ले का जो जज नहीं कर पाया, हाफ वाली बड़ी गेंद थी, उसको उनके ब्लॉक होल में अपने आप को क्रीज के अंदर खींच लिया था, जिससे वो ब्लॉक होल में चली गई। अब यहाँ से कप्तान पिंकू को एक भरोसे वाली पारी खेलनी है, टीम को उस दहलीज तक पहुंचाना है जहां 152 लक्ष्य का पीछा करने उतरी है ये टीम। दो ओवर में 32 रन, लेफ्टार्म ओवर द विकेट, इस बार बढ़िया गेंद, इस युवा गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। अंपायर पर हम सवालिया निशान नहीं उठा सकते, क्योंकि अंपायर हमारे भरोसेमंद है, रिलायबल है, जिनके पास एक अच्छा अनुभव है, और उसके अलावा भी ये कि मैच्योर है, परिपक्व है, और कलीम जो हमारे सेकेंड अंपायर की भूमिका में है, काफी लंबे अरसे से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं बखरा के लिए, और आज भी बखरा के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब ये सारी चीजें हो रही है, अंपायर ने बिल्कुल, जो नेक्स्ट बल्लेबाज है और जो हमारी मेहमान टीमें दोनों हैं, हम उनके कोई भी इस, हम दिल खोलकर हम आपका स्वागत, अभिनंदन और वेलकम करते हैं। कल दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, इस मैदान पर कुछ ऐसी, कुछ झलक छोड़ के जाओ, कुछ अलौकिक पहचान छोड़कर जाओ, फिर आपको लोग याद करें जैसे सद्दाम को याद किया जाता है। अब देख रहे हैं ये अच्छी गेंद, मुझे याद है वो सद्दाम का स्पेल जो आवक कैफी आजमी ट्रॉफी में डाला था, वो जबड़े से जीत को छीना था आवक ने कैफी आजमी ट्रॉफी में, तो वो सद्दाम अपनी टीम बरेली लेकर यहाँ पहुंचे, अपने जिले की टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, बागडोर संभाल रहे हैं। दूसरी तरफ जो उनके जो विपक्षी जो टीम है, हम देख रहे हैं हरियाणा, हालांकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है उन युवाओं से कि वो बिल्कुल जैसे हमारे ग्राम सभा की टीम होती है बखरा, वैसे ही टीम बना के आए हैं, लेकिन ठीक है, उनको ये पूरी जानकारी नहीं हो पाई कि हम पूरे अंबाला को लेके चले। अगली बार जब आप लौटे, जब आने वाला एक खरेवा कप है आजमगढ़ में, हो सकता है आपकी टीम वहां पर भी एंट्री ले, तो जब भी आए और अच्छे से सज धज कर आए, प्री प्लान कर आए, और साथ ही साथ ऐसे विकेट पर खेलने का अनुभव भी आपको प्राप्त करते रहे, क्योंकि आपकी तरफ तो लाल मिट्टी है और काली मिट्टी है, जिसे हम चिकनी काली दोमट मिट्टी कहते हैं, उस विकेट पर गेंद स्टिक करके आती है, थोड़ी स्लिक करके आती है, तो बल्लेबाजी करना आसान होता है। ये सीमेंटेड विकेट है, थोड़ी सी खुरदुरी है, जल्दी से बल्ले पर जज करेगी, आपको बल्ले के साथ जल्दी जाना होगा, आपको जल्दी अपनी टाइमिंग, अपने बल्ले का फ्लो जल्दी चलाना होगा, फिर शायद आप कुछ और बड़े और आकर्षक स्ट्रोक लगा सकते हैं। अगर आप अपनी, जैसे कि भारत के जब खिलाड़ी विदेशों में जाते हैं तो यही प्रॉब्लम्स उनके साथ भी होती है कि वो वहां की विकेट बहुत फास्ट होती है, बल्लेबाजी करना उन्हें खासा मुश्किल होता है, तेज गेंदबाजों को मदद पहुंचाती है, लेकिन ये विकेट बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल माकूल है, अनुकूल है, परिस्थितियां भी ये है कि बल्लेबाज इससे रन बना सकते हैं। इसी बीच हमसे दूर जाते हुए गेंदबाजी मार्च पर, ये पहला मेडन ओवर समाप्त होता हुआ, भाई एक बार जोरदार तालियां बजा दे, टूर्नामेंट का फर्स्ट मेडन ओवर इन बखरा क्रिकेट टूर्नामेंट, द बॉलर नेम इज हृदेश, और इससे पहले ओपन टूर्नामेंट हुआ था तो वहां पर अनुज गुप्ता ने मेडन ओवर डाला था इसी मैदान के ऊपर, तो आज कृतिमान में उसी कृतिमान के साथ ये डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट में निर्देश ने अपना नाम लिखवाया है। अब यहां से फील्ड को 5 खिलाड़ियों को बाउंड्री सीमारे का पर लगा सकते हैं, जिसमें से मैं देख रहा हूं कि पहले ही मिड विकेट को निकाला था, डीप स्क्वायर लेग को निकाला था, अब हम देख रहे हैं कि लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन को भी निकाल दिया, ये 4 खिलाड़ी बाउंड्री सीमारे का पर है, अभी भी ऑफ साइड की फील्ड 30 यार्ड दायरे के अंदर हम देख रहे हैं, एक सिली एक्स्ट्रा कवर है, उसके अलावा हम देख रहे हैं एक गली है, जहां पर एक, माफ करना, गली नहीं है, यहां पर हम कह सकते हैं 60 फॉरवर्ड जो है पॉइंट को लगा रखा है, विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप है। सद्दाम के हाथों में गेंद, सौ भी एक कप्तान, दो ओवर में हृदेश ने मात्र 1 रन खर्चे, इस पूरी श्रृंखला में अब तक का सबसे बड़ा शानदार स्पेल हृदेश के नाम रहा है, काबिले तारीफ लेफ्ट आर्म सीमर ने की है। अब गेंदबाजी के लिए सद्दाम, टीम की कप्तान, बरेली का सूरमा, बरेली का बास और बरेली की मिठाई और बरेली की बर्फी बड़ी मशहूर है, अगर अगर ये वापस जाते तो इनसे सद्दाम भाई से जरूर मंगवा लेते, लेकिन फिलहाल ये अगर ये टीम जीतती है तो कल ये फाइनल खेल कर जाएगी, कल सेमीफाइनल खेल कर जाएगी, अब ये तो भविष्य में आकलन लगाना मुश्किल है कि कौन सी टीम इन दो खूबसूरत जो MM17 अफगान स्पोर्ट्स चाइल्ड ट्रॉफी टीम का सिकंजा कसता है। अच्छी गेंद, तेज रफ्तार की गेंद, और ये होल्ड कर दिया है, और अंपायर महोदय कलीम ने पहले इशारा किया, हरिहरन साहब हमारे रियाज साहब थोड़ी
की आंखें लगातार चार दिन अंपायरिंग करना ये भी आसान काम नहीं है, अच्छा मुश्किल काम है। अब देखते हैं कौन नया बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी के लिए जाते हैं। तो हमारे मेहमान खास जैसे कि हम देख रहे हैं बोर्ड पर कलीम असद शेख मोहम्मद उमर खान साहब के बैनर्स लगे हुए हैं, उनके अलावा हमारे उद्घाटन करता जनाब जफर सिद्दीकी साहब, समापन करता जनाब रेहान संजरी साहब जो डायरेक्टर ऑफ पीसीएम ग्रुप उनका भी बैनर लगा हुआ है, और हमारे जिस पूरे श्रृंखला में अबू बकर खान साहब पूना वाले जो उस्मान भाई पूना वाले इन सबका भी बहुत सहयोग है इस क्रिकेट प्रतियोगिता में। तो अब हम नए बल्लेबाज यश निकले हैं एक एज ऑलराउंडर इस टीम से, लेकिन अच्छी टीम है, युवाओं की टीम है। अब्दुल भाई ने पूरी तरीके से ज्ञात नहीं हो पाया इस बात का कि हम जो टीम लेके जा रहे हैं वहां पर वो जिला स्तरीय प्रतियोगिता है। टीम अमजद भाई ने उन्हें बताया था, ज्ञात करवाया था, शायद जो भाषा होती है हमारे भारत के अंदर 800 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, तो भाषा बोलने में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। तो कोई बात नहीं है, मैदान पर आए हैं, अपना दिखाइए, अपना पसीना बहाइए, सत्ता को पहली योग पर सफलता मिली है। ये तीर चाली गए कट किया है, जा रही है सीमा रेखा बड़ी लाइन बाहर, नहीं नहीं चोट नहीं लगनी चाहिए, अगर गिर गई है सीमा रेखा बड़ी लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। आराम से अपने आप को संभालिए, क्रिकेट में लंबा कैरियर है, चलिए उठकर खड़े हो गए अच्छी बात क्रिकेट के लिहाजा से। और आज की टीम देख रहे हैं कि अभी गाजीपुर की टीम बैठी हुई है, जो आज दिल्ली की टीम जिनको आना था वो समय से नहीं आ पाई संभवतः। अब क्या आकलन लगाया जा रहा है अमजद साहब से जब हम बात करेंगे तब हम आपको संपूर्ण जानकारी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। जो हमारे आज के जो हमारे मीडिया कर्मी हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धूम मचा रखी है, हमारे कमर आसिफ साहब जो उनका जो चैनल है कस्बा माहौल स्पोर्ट, और हसीब भाई पत्तोपुर उनका है HSB हसीब पत्तोपुर, और दूसरा तीसरा है आजमगढ़ क्रिकेट लाइव पर ये मुकाबला प्रसारित कर रहा है, पूरा बरेली झूम झूम कर ये मुकाबला देख रहा है। इसी बीच लॉफ्ट करने का प्रयास था, ग्लांस करने का प्रयास था, ये वाइड का ये फैसला है, एक रन और। तो अब वो जो पेस मैंने देखी थी सद्दाम के अंदर 2-3 साल इस हफ्ते में थोड़ा सा दिक्कत है इसलिए स्कोर बोर्ड नहीं दिखा रहा हूँ, अपडेट नहीं हो रहा था डिस्प्ले पे, यहाँ तो दूसरी मोबाइल में अपडेट हो रहा था लेकिन डिस्प्ले पे अपडेट नहीं हो रहा था इसलिए रोक दिया। बिल्कुल अंदाजा नहीं है, ये क्रिकेट में आप जब भी उतरिए मैदान पर ये सोच के करिए कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस देनी है फिर आपका काम बनने वाला है, और ये चीज काम समझा रहे आपके अंदर जुझारूपन होना बेहद जरूरी है। अगर आप कमेंट्री करने को जा रहे हैं तो आप इज्जत के साथ साथ आप सत्ता पर भी प्रहार करिए कि जो खिलाड़ियों को दिल में छू जाए उन्हें आप 152 फिर कमेंट्री करने में भी अच्छा लगता है। 152 का टारगेट है भाई, को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, कर्तव्य निष्ठा से करना चाहिए। इसी बीच एक और सद्दाम की स्लोअर गेंद लहराती बलकाती बल्लेबाज को मिस कॉल मारती हुई चली गई है विकेट कीपर के दास्तानों में। स्कोर बोर्ड पर मात्र 38 रन लगे हुए हैं, 152 के जवाब में ये चौथा ओवर 39 रन बोर्ड पर लगे हुए हैं, और ये इसी बीच सप्ताह की अगली गेम आगे आकर तय करना चाहिए कि ये फील्डिंग यही कहते क्रिकेट का जुनून, जान रहे हैं कि मैच में हम बिल्कुल 80-20 की लड़ाई है लेकिन अपने आप को झोंक रहे हैं, अपने आप को मैदान में डाल रहे हैं कि नहीं हम करेंगे अच्छा, और यही चीज हर खिलाड़ी को बड़ा बनाती है। आपके अंदर हार्दिक पांड्या ने फाइनल खेलने से पहले रवि शास्त्री से कहा था कि आज मैं ऐसी पारी खेलूंगा जो मेरी सबसे यादगार पारी होगी, और उस नौजवान ने खेल दी बहुत बढ़िया शॉट, क्लास में तो बच्चा कोई कमी नहीं है, आपने जो क्रिकेट खेली है वो बहुत शानदार है। इसी बीच स्कोर बोर्ड पर रनों की जो संख्या है जा पहुंची है 41 रन। तो जैसे कि गाजीपुर की टीम हमारे हम आपको बता दें गंगा नदी जो है हमारे इस उत्तर प्रदेश में 28 राज्यों से होगा 28 जिलों से होकर गुजरती है वो भी गाजीपुर से गुजरती है, और लगभग हर साल हमारे गाजीपुर का एक ना एक सपूत बॉलर का नाम है आतिफ, मोहम्मद आतिफ को जिम्मेदारी सौंपी है, एक ना एक सपूत हर साल हमारे देश के लिए जो है नौछावर प्राण कर देते हैं। फिर भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से सैनिक, अगर आर्मी के जवान ITBP के जवान अगर कहीं जाते हैं तो वो गाजीपुर से ही निकल कर जाते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और ये भी प्लेन बोल्ड कर दिया है, विकेटों का पतन हो रहा है, और आगे ये कमेंट्री करिए मैं देख रहा हूं कि
भाई कमेंटेटर सब कुछ बता रहा है इतना अच्छा बॉल टू बॉल, अभी क्या हमें तो स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या इस वक्त हम देख रहे हैं 41 रन लगी है, 4 ओवर, ये 5 ओवर की समाप्ति की, 5वां ओवर माफ करना चल रहा है, 152 के जवाब में अब नए गेंदबाज मोहम्मद आतिफ को लाया गया है। गेंदबाजी मार्च पर कल इस श्रृंखला का, इस बकरा टीम का जिला स्तरीय प्रतियोगिता का कल फाइनल होने वाला है। अब नए बल्लेबाज ये बढ़िया स्ट्रोक्स खेला है, डाउन टू द ग्राउंड खेला है, एक रन बनाने से बल्लेबाजों को नहीं रोक पाएंगे। तो दोस्तों आप हमेशा शिक्षा पर जोर दें, आप हमेशा भाई बैट्समैन ने सागिर पहुंचे थे, एक बार हैंड अप कर दें, ये सागिर गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, तो अब आतिफ गेंदबाजी कर रहे हैं। ये जो बकरा बैकरी थे ये भी सफलता मिलते मिलते रहेगी। ये क्रिकेट में हमने अर्शदीप को एक ऐसे ही एक छोटे में देखा था और भारत पाकिस्तान से परास्त हुआ था। ये क्रिकेट में ठीक है आप जीत रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आपने अपना 100% नहीं दिया, आप किसी चीज को इजी नहीं ले सकते, हमेशा क्रिकेट को सीरियसली लीजिए। और कहते हैं कि सिर्फ दुनिया के सामने जीतने ही वाला विजेता नहीं होता, किन रिश्तों के सामने कब और कहां हारना है ये जानने वाला भी विजेता होता है। इसी बीच एक और हम देख रहे हैं बिट्टू का पतन, विकेट नंबर हम देख रहे हैं बिल्कुल हरियाणा अंबाला नाम तो नहीं है, टीम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई, 4 विकेटों के नुकसान पर स्कोर हुआ है 44 रन। अब बरेली बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस कर अगले राउंड में जाने की तैयारी कर रही है। इस चिलचिलाती हुई धूप में दूर से आए हुए तमाम दर्शकों का हम एक बार फिर स्वागत अभिनंदन और खैर मकदम और खुशामदीन कहते हैं कि आप हमारे बीच जुड़े हैं, हम आपके बिना ये टूर्नामेंट अधूरा था और आपने अपना जो कीमती वक्त दिया है इसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं कि ना गोलियों की बौछार से ना काका की तलवार की धार से मैं सुजीत शान फेमस हूं, तो बकरा के हर इंसान के प्यार से, तो आज इस बकरा ही मैं जब से कदम रखा हूं जो यहाँ के लोगों ने जो मुझे इज्जत जो प्यार जो स्नेह दिया मैं जिंदगी भर उनका एहसान मंद रहूंगा। स्पेशली अमजद भाई और उनकी पूरी टीम, उमर भाई जो भी आयोजन करता है मैं सबका शुक्रगुजार हूं। इसी बीच इस ओवर में हम देखे अब रनों की जो गति है उस पर तो ब्रेक लगा दिया है, अब अपने नए गेंदबाजों को भी आक्रमण पर लगाएंगे हाथ खोलने के लिए। यहाँ से सद्दाम समझ रहे हैं कि अब मैच में महज अब औपचारिकता नजर आ रही है, रन गति को बल्लेबाजी उस कदर नहीं हुई है जो हम सोच रहे थे, जो खेल हम देखना चाह रहे थे, कलीम गेम देख रहे हैं, अंपायर साहब का इशारा हुआ और यहाँ पर जो है समाप्त हो चुका है। ये 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 44 रन 152 के जवाब में 10 ओवर के मुकाबले में। तो
चलिए हम सोच रहे हैं कि इस मैच में मैं जो औपचारिकता रह गई है तो हम एक ओवर की जो कमेंट्री है वो भोजपुरी में करना चाह रहे हैं। अगर हमारी कोई गलती होगी तो हम आप सभी दर्शकों से माफी मांगेंगे कि आप, क्योंकि देखिए अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहां मराठी बोली जाती है, गुजरात में जाएंगे तो वहां गुजरात में गुजराती कमेंट्री होती है, अगर आप जाएंगे पंजाब में तो वहां पंजाबी में कमेंट्री होती है, तो फिर भैया हम तो उत्तर प्रदेश वाले हैं, हम क्यों ना अपनी अवध भाषा का भी प्रयोग करें। तो बात गजब लागत मैदान के ऊपर दर्शकंग ढीली लाख गेल मां चारों तरफ धूमो खुटवा पे धूमो को बल्लेबाज बिल्कुल तैयार हो गए पालन बल्लेबाजी करे खातिर सदाम का इधर निक लागत पालन इतलात पालन गेंदबाजी करे खातिर बड़ा बड़ा डंडा पे गोल बल्लेबाज खातिर ये बार तो डंडा ही उखाड़ तले पालन बल्लेबाज के बिल्कुल बुझाइए नहीं खेल की चिटिया आई और चिटिया के निकल गई बात स्कोर बोर्ड पे रन देखे गए इसमें लागत था 44 रन। तोरा लोग से बड़ी उम्मीद रहा कि हरियाणा के टीम आवता अब हैट्रिक पर पहुंच गए बालन सद्दाम। सद्दाम भाई हमारा के पहले से तोरा से मालूम रहो तो हम बर्फी मंगवा ले बरेली के बर्फी बड़ा मशहूर बात हो रही यहाँ पर, लेकिन चला क्रिकेट चलता मैदान के ऊपर दर्शकन का हुजूम तो नहीं खेला गलबा लेकिन सब सबरा लोग के देख के बड़ा मजा आता मैदान के ऊपर। स्कोर बोर्ड पर रन देखत आने की लग चुकल बा 44 रन छठवा ओवर चलता सद्दाम हैट्रिक विकेट पर पहुंच गए पालन का कीर्तिमान स्थापित करियन दुनिया में एक दो के गेंदबाज हमारा के नजर आवलन उनका नाम भाई इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहन वो टेस्ट और ओडीआई दोनों में भैया पहले ही व्यक्ति रहन जो हैट्रिक विकेट टेस्ट और ओडीआई में पूरा के लिए रहन तो खुटवा पे एक नया बल्लेबाज गदा लेकर पहुंचल पालन और गोला बैठे खातिर एक बल्लेबाज तैयार हो गई पालन सद्दाम हैट्रिक विकेट ले लिया कि ना हरिहरन साहब के कहा के चले पालन जोर जोर लंबा लंबा टच भर के तैयार हो गए पालन एक बार हैट्रिक विकेट अपन जान बचो ले पालन चाहे जैसे जान बच गई भैया जहान बच गई अपन स्कोर बोर्ड पे रन देखे ताली की लाग गई बा 44 रन स्कोर 44 या इसके बाद गाजीपुर का है इसमें से जो भी टीम जीतेगी उसके नहीं पूरी कर पाए विकेट के साथ ये मैडन ओवर समाप्त किया है हरियाणा को निस्ता नाबूद कर दिया है हरियाणा को बिल्कुल मस्तक कर दिया है इस मैदान पर। अब यहाँ पर नूर अलेवन बरेली बल्ले बल्ले कर कर आगे बढ़ते भी बरेली बल्ले बल्ले अब अंतिम मुकाबला होगा गाजीपुर जिसमें है आग आग का मतलब होता है अनुज आग का हम अपने का नाम राहिब राहिब ये देखिए एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट गोइंग ऑन टू राहिब इज गोइंग टू अटैक टू बॉल टू बकरा बैक इन द बैट्समैन इज रेडी टू प्ले फर्स्ट बॉल ऑफ दिस इनिंग्स राहिब अ वेरी सुपर फास्ट डिलीवरी बैट्समैन लुक्स डीप बिहाइंड द बॉल विकेट कीपर आल्सो नॉट कलेक्ट टुगेदर द बॉल बट थर्ड मैन इज अ वेरी स्पेशली हैंड ऑन द बॉल नो वन नो विकेट्स सुजीत हरियाणा की टीम को देखकर तो बहुत से गांव के लोग कह रहे हैं हम इसको हरा देंगे आजमगढ़ के बहुत से गांव की टीम ये कह रही है इसको तो हम भी हरा सकते हैं लेकिन नहीं अभी ये बच्चे यहाँ के मिट्टी पर सेट नहीं हो पाए जो एक खरेमा में जो टूर्नामेंट होने जा रहा है हम आपको बता दें वो आदित इलेवन यानी खरेमा जो फाइनल जो ग्रुप करवा रहा है 1,20,000 और 80,000 उसकी प्राइस है 27 तारीख से जो टूर्नामेंट शुरू हो रहा है बरेली भी ध्यान से सुनती रहे वो भी इसमें पार्टिसिपेट करे तो और हमको अच्छा लगेगा। इसी बीच अगली गेम बड़ी खूबसूरत गेम गई है विकेट कीपर सद्दाम के दास्तानों में कोई रन कोई नुकसान नहीं 0-3 की टी शर्ट पहने हुए हैं अभी यहां से कैसे गेंदबाजी करेंगे राहिब क्योंकि राहिब के पास पेस है युवा है शुभम ने भी इसी कद काठी के साथ अच्छी गेंदबाजी की ये गेंद 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 कई है विकेट कीपर के दास्तानों में। तो दोस्तों हम आपको बताएं क्रिकेट हमेशा अनिश्चितताओं का खेल रहा है और आज का ये दिन बहुत स्पेशल था लेकिन दिल्ली ने जो है अपने आने की जो समय है वो बताया कि हम आज नहीं आ सकते क्योंकि हमें जबकि उन्हें सारी सूचना इन्हें प्रोवाइड कर दी गई थी ऐसा नहीं है आयोजन समिति कर क्या सकती है हम बुलाने के जिम्मेदार है लेकिन मर्द वही है जो अपनी जबान पर टिक जाए
आना चाहिए, आपको आपने कहा है, आपको आमंत्रित किया गया है तो आपको आना चाहिए, या तो फिर आप पहले ही कह देते कि भैया हम नहीं आने वाले। एन वक्त पर, आखिरी वक्त पर आप कहेंगे तो कोई भी आवेदन स्वीकृत होगी। मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो कर ही डालेगा। अगर भाई क्या कर सकता है कोई, आप आने के बाद ये कह रहे हैं भैया हम नहीं आ पाएंगे। और जबकि अमजद भाई ने ऐसा नहीं मुर्गी तारीफ कर रहा है, उन्होंने कहा कि आप बस स्टेशन से उतर जाइए, उसके बाद जो सारी जिम्मेदारी है वो मेरी होगी। और अब कितना बड़ा दिलावर चाहिए आपको। लेकिन ये क्रिकेट में ना, ये खिलाड़ी को भी इन सब चीजों पे गौर करना चाहिए। चंदौली टीम यहाँ से वापस गई है तो बहुत खुश हुई, 5100 रुपए का कैश डाल दिया अमजद भाई के अकाउंट में कि आपने बहुत बड़ी खिदमत की, अच्छा इंतजाम किया रहने का, खाने का, पीने का, हम खेल अच्छा नहीं कर पाए फिर भी जो आपका ये पैसा है आप तक पहुंच रहा है, वरना चंदौली जाकर अगर पैसा नहीं देते तो क्या करते। लेकिन अमजद भाई की मेहमान नवाजी से खुश होकर उन्होंने एंट्री किया, और जो दिल्ली की टीम नहीं आई है तो ये बैड लक मैं कहूंगा दिल्ली का है, दिल्ली का बिल्कुल बैड लक है। आना चाहिए क्रिकेट में आप अपना इस आजमगढ़ में। देखिए अगर यूपी में रहना है तो आजमगढ़ में क्रिकेट खेलना है, और आजमगढ़ में जिसने नाम कर दिया उसने पूरे हिंदुस्तान में नाम कर दिया। इकबाल अब्दुल्ला, प्रवीण दुबे, कामरान खान, अभी हाल ही के दिनों में आप एक और नए खिलाड़ी चेहरे को देखेंगे, मुशीर को, जैसे रणजी की टीम मुंबई में अभी जो उसमें उसका जो सिलेक्शन हुआ है हम वो भी बता दें। इसके अलावा भी कई खिलाड़ी इस आजमगढ़ से आपको देखते हुए निकलेंगे। और क्या कहना उस हिंदुस्तान का आईपीएल का सुपरस्टार सर डैन ब्रैडमैन के बाद सबसे ज्यादा एवरेज रखने वाला बल्लेबाज 92.10 की औसत से रन बनाने वाले 2 सालों में सरफराज खान, जो नौशाद साहब के जो लड़के हैं उन्होंने क्या उस पूरे आजमगढ़ का नाम रोशन किया। यहाँ की मिट्टी में वो शक्ति है, वो पावर है जो पूरे हिंदुस्तान में उसकी महक आपको देखने को मिलती है। तो इसी बीच अगली गेम, यहाँ जिसने क्रिकेट में, सच्चाई बता रहा हूं, अगर आपने आजमगढ़ में क्रिकेट खेल ली और अपना नाम कमा लिया तो फिर आप पूरे उत्तर प्रदेश में हर चैनल पर नजर आते हुए दिखाई देंगे। Gracias.
आए 50 रन अब 50 रन पूरा बॉय चलिए कल मिलते हैं अभी क्वार्टर फाइनल में मिलते हैं गाजीपुर वर्सेस बरेली के बीच ए मैच वो बना दिए रहा हूँ जी हाँ बरेली से जो गाजीपुर और बरेली से जो भी इनमें से जो भी टीम जीतेगी और आशीष शेरवानी वाली टीम से खेलेगी चलिए मिलते हैं फटाफट क्वार्टर फाइनल मुकाबले में राहुल आ जाए।